हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। तू समुद्री जहाज के कंटेनर में पड़ी हुई है और चारों ओर पानी पानी है। कौन हो तुम? सिंधु द सेलर। धरती पर एक ऐसा देश है जहाँ पर 6 महीने सिर्फ रात ही रात होती, अंधेरा ही अंधेरा। वहीं पे ले जा रहा हूँ तुझे कैद करके। कोई है? अगर तुम इस पिंजरे से आजाद होना चाहती हो तो तुम्हें उनको आजाद करना होगा, वरना मौत तुम्हें इस जिंदगी से आजाद कर देगी। अंकल, नहीं, नहीं अंकल, नहीं, बाबा, बाबा। नमस्ते, मैं सोनाली कुलकर्णी, क्राइम पेट्रोल सतर्क के आज के एपिसोड में आपका स्वागत करती हूँ। इंसानी दिमाग में जितनी सृजन की क्षमता है उतनी ही विध्वंस की भी है। अगर सोच सकारात्मक हो तो इंसान एक बेहतर दुनिया निर्माण कर सकता है, लेकिन स्वार्थ और लालच भरी सोच सिर्फ तबाही लाती है। सोच, ये देव और दानवों की जंग है। जगजीत है दानवों का गुरु शुक्राचार्य और उसकी बेटी अदिति है देवयानी। जैसे दानवों को छलने के लिए देवताओं ने देवयानी को छला था, इसी तरह तुझे अदिति से शादी करनी, उसके बाद उसकी सारी संपदा मेरी हो जाएगी। बस कीजिए पापा, आप लालच के इस खेल में अपने बेटे को मोरा बना रहे हैं। मोरा नहीं, प्यादा है तू। मेरा आदेश मानना ही पड़ेगा और इसमें तेरी लाइफ बर्बाद नहीं होने वाली। अदिति अच्छी लड़की है, तू तो उसे बचपन से जानता है। लेकिन दिव्या दीदी मुझसे बड़ी है ना, आपको उनकी शादी करानी चाहिए और आप मेरी शादी करा रहे हैं। इनको मेरी फिक्र कहाँ है, इनको तो बस अपने खेल की बिसात बिछानी है। बस, कल लड़की वाले आ रहे हैं, समझाओ अपने बेटे को। और मैं ये शादी नहीं करूंगा, सुन रहे हैं आप? तू क्यों यहां पर रहकर अपनी बेइज्जती सहन कर रही है? अगर कोई लड़का पसंद है तो भाग जाओ उसके साथ। ऐसे कैसे भागेगी तू? हाँ, बराबर का हिस्सा है तेरा सुदर्शन के घर और उसकी जायदाद पर। सुन, जब तक बंटवारा नहीं हो जाता तू वहीं जम के बैठी रहे। ऐसा करती हूँ, मैं मर जाती हूँ जहर खा के, फिर मिल जाएगी ना शांति सबको। मरे तेरे दुश्मन, तू डर मत, मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ, सिर्फ बंटवारे का हिस्सा बांटने के लिए, सबके सब मतलब ही है, कोई भी नहीं समझ सकता मुझे। हम अपनी मर्जी से जन्म नहीं लेते, और जब से मैंने होश संभाला मुझे हमेशा यही लगा जैसे मैं कोई संतान नहीं चाइल्ड हूँ, जिसे ना अपनी मर्जी से जीने का हक है और ना ही मरने का। भाई, हक की लड़ाई लड़ते लड़ते दुश्मन से अब समधी बन रहे हैं, और मैं सिर्फ मेरी बेटी के लिए झुका हूं, वरना वो जमीन तुझे कभी नहीं देता। और अब ये जमीन मैं तुझे अपनी बेटी के दहेज में दे रहा हूँ। तुझे टाउनशिप बनानी है, वहां जा बना ले। अपनी बहू को मुंह दिखाई मैं भी कंजूसी नहीं करूंगा। इस टाउनशिप के लिए बिल्डिंग मटेरियल तेरी कंपनी से लूंगा। प्रतीक, तुम्हें याद है बचपन में मैंने अपनी पतंग पर आई लव यू लिखकर इसी टेरेस पर डाल दिया था, और तुम्हारे पापा ने तो मुझे देख ही लिया था, और मैं बहुत डर गई थी। लेकिन हेलो, मैं ही बोलती रहूंगी, तुम भी बोलोगे। बचपन से तो मैं कह रहा हूँ, तुम कभी सुनती हो मेरी? आई एम नॉट इंटरेस्टेड इन यू। प्रतीक, ये क्या बोल रहे हो तुम? तुम्हें पता है मैं तुमसे क्यों भागता हूँ? क्योंकि मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे लड़कों में इंटरेस्ट है। आई एम गे। तुम चाहती हो कि तुम्हें गे से शादी करो, बोलो। पापा, पापा। क्या हुआ बेटा? पापा, प्रतीक ने मुझे धोखा दिया है। पापा, प्रतीक ये क्या? ये क्या बोल रही है अदिति? पापा, वो सच बोल रही है। मैं अदिति की लाइफ बर्बाद नहीं कर सकता हूँ। सुदर्शन,
दुश्मनी निकालने के लिए गंदी चाल चल रहा है तू? जगजीत ऐसी कोई बात नहीं है। अरे तेरे बेटे ने धोखा दिया है मेरी बेटी को। अदिति चल, इनकी तो मैं अब बैंड बजाऊंगा। चल अदिति। जगजीत, जगजीत, नाक डुबो दी तूने मेरी। अब बस कीजिए। डुबोया हमने नहीं, आपने डुबोया। बीच में बोली तो काट डालूंगा। कौन है वो जिससे इसके साथ रास रचा रहा है तू? आज के आज खत्म कर दूंगा उसे मैं। चुगुफ्ता, क्या बदतमीजी है? बीवी को ऐसी बदतमीजी करने का पूरा हक होता है डॉक्टर शादा। जब देखो बस बॉक्स क्लिनिक इसी में बिजी रहते हो। मेरे लिए तो टाइम ही नहीं है ना तुम्हारे पास। ओए, नाराज हो क्या? शगुफ्ता मुझे अकेला छोड़ दो प्लीज। क्या? हाँ क्या प्रॉब्लम क्या है तुम्हारी? जब देखो मुझसे दूर भागते रहते हो। कहीं कोई अफेयर तो नहीं चल रहा है ना तुम्हारा? दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? पूरे मार्केट में हवा फैला दो कि सुदर्शन डिस्प्यूट प्रॉपर्टी के सौदे करता है। मुझे सुदर्शन को बर्बाद करना है, सुना तुमने? पापा, मुझे प्रतीक से शादी करनी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। ये क्या कह रही हो तुम बेटा? तुम अब भी उस लड़के के साथ? पापा, हम उसका इलाज करवाएंगे ना, कई कंट्रीज में ना पापा उसका अभी भी इलाज होता है। और मेरा प्यार तो बेइलाज है ना पापा, मैं प्रतीक को नहीं खो सकती पापा। दीदी, यहाँ हमारे इमोशंस की कोई वैल्यू नहीं है। हम एक काम करते हैं, हम यहाँ से भाग चलते हैं। हम हमारे पेरेंट्स के गुनाहों की सजा भोगने के लिए ही पैदा हुए हैं प्रतीक, हम अपनी किस्मत नहीं बदल सकते। नहीं दीदी, हमें अपनी किस्मत बदलनी है। मुझे ऐसे माँ बाप नहीं चाहिए। पिछले 4 दिन से मेरी बेटी का कुछ पता नहीं चल रहा है। ये उसकी फोटो, ये है मेरी बेटी दिव्या। आपकी बेटी 4 दिन से गायब है और आप अब आ रही हैं? सर, दरअसल मैं हापुड़ में रहती हूँ और मेरी बेटी यहाँ फरीदाबाद में मेरे हस्बैंड और उसके परिवार के साथ रहती है। आपके हस्बैंड और उसके परिवार के साथ मतलब? दरअसल कुछ साल पहले मैं अपने पति से अलग हो गई थी, फिर उन्होंने दूसरी शादी कर ली, उनका एक बेटा भी है और मेरी बेटी उन्हीं के साथ रहती है। आपने अपने पति से मालूम करने की कोशिश की? मैंने कोशिश की थी लेकिन उनका फोन बंद आ रहा है। मैं उनके घर भी गई थी लेकिन वहां पे ताला लगा हुआ है। अंदर कोई नहीं है। आसपास मालूम करो, शायद पड़ोसी जानते हो कुछ इस फैमिली के बारे में। सब अच्छा, आपकी अपने पति से या बेटी से आखिरी बार बातचीत कब हुई थी? सर, हफ्ते भर पहले मेरी दिव्या से फोन पे बात हुई थी, काफी अपसेट लग रही थी वो। आप अगर मुझे पाल नहीं सकती थी तो मुझे पैदा ही क्यों किया? और पापा ने आपको छोड़ दिया तो आपने मुझे छोड़ दिया। मुझे ऐसे मत कोस बेटा। कोस तो मैं खुद को रही हूँ माँ। दीदी, दीदी पापा पता नहीं मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं, आप प्लीज उन्हें रोकिए ना। ये क्या रोकेगी मुझे? प्रतीक, इनको करने दे इनके मन की। तो टेंशन मत ले, मैं चलूंगी तेरे साथ। कहाँ जाने की बात कर रहे थे वो? ये मैं नहीं सुन पाई थी सर। अच्छा, जब फोन आया। सर, ये इनके पड़ोसी हैं। 4 दिन पहले इन्होंने इस फैमिली को कार पे कहीं जाते हुए देखा था। अच्छा, इस फैमिली के पास जो कार्स थी, आप उसके नंबर जानती हैं? नहीं सर, नंबर तो नहीं मालूम, लेकिन हाँ मेरे पति के पास 2 कार है, एक उनकी और एक उनके बेटे की। माथुर, सुदर्शन और उसके बेटे की कार का नंबर मालूम करो,
और साथ ही फैमिली के सारे मेंबर्स के CDR निकाल, मालूम करो कि इनके फोन कब और कहां बंद हुए थे। पापा आप क्या पढ़ रहे हो? आपको क्यों जानना है कि पापा क्या पढ़ रहे हैं? आप मुझे ये बताओ कि क्या आपने अलादीन की कहानी पढ़ी? अलादीन? हाँ, अरे तुम्हारी दादी मुझे सुनाया करती थी। एक अलादीन था, उसका जादुई चिराग था, चिराग को घिसो प्रकट हो गया जी। जो हुक्म मेरे आका। वैसे रूही, पता है मैं सच में चाहती हूँ कि तुम्हारे पापा को एक जिन मिल जाए जो इनकी तबीयत ठीक कर सके। मम्मी पापा तो डॉक्टर है और डॉक्टर लोग कभी बीमार नहीं होते। बिल्कुल सही बेटा, आप जाके बाहर खेलो। हाँ ठीक है पापा। कुछ सोच के तो बोला करो बच्ची के सामने, कुछ भी बोल रही। मैं तो सिर्फ मजाक कर रही थी। वैसे वाकई में तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं है? तुमसे ना बात करना ही बेकार है। आज रात को घर आओगे या फिर पूरी रात अपनी किसी फीमेल पेशेंट के साथ मसरूफ रहोगे? गाड़ी को अच्छे से चेक करो, देखो कुछ मिलता है क्या। सर इसी एरिया में पूरी फैमिली के फोन्स बंद हुए थे। हमने आसपास चेक किया तो हमें सुदर्शन की कार मिली। सर गाड़ी में सुदर्शन और दीपिका दोनों की बॉडीज हैं। सर मर्डर का मोटिव लूट नहीं लग रहा। प्रतीक और दिव्या अपनी कार के साथ में कहाँ गए? वो भी तो एक दूसरी कार से इन लोगों के साथ ही निकले थे। सर हमने पूरा एरिया अच्छे से स्कैन किया लेकिन हमें कहीं भी दूसरी कार नहीं मिली। तुमने कहा था कि सारे फैमिली मेंबर्स के फोन इसी इलाके में आकर बंद हो गए? जी सर। सर ये प्रतीक और दिव्या अपनी कार के साथ में गए कहाँ? ए क्या कर रहे हैं, मर जाएगी ये। सर ये सब कैसे हो गया, कैसे? सुदर्शन, दीपिका, दिव्या, प्रतीक सबके फोन मुंगेर रोड पर बंद हुए। उस तरफ कहाँ जा रहे थे लोग? सर मुझे कुछ नहीं पता। लेकिन एक बात बताइए कि आपकी बेटी दिव्या और प्रतीक का सुदर्शन और दीपिका के साथ में रिश्ता कैसा था? सर सब कुछ ठीक ही था। मुझे सिर्फ इतना मालूम है कि प्रतीक की शादी करने वाले थे सुदर्शन, लेकिन प्रतीक उस रिश्ते से खुश नहीं था। किससे होने वाला था रिश्ता? सुदर्शन के पुराने दोस्त हैं जगजीत, उन्हीं की बेटी से प्रतीक के रिश्ते की बात चल रही थी। सिर्फ 15,000? तुम्हारा इंटरेस्ट तो 20,000 रुपए महीना है ना, और इस बार तुम मुझे 2 बार का इंटरेस्ट चुकाने वाले थे। डॉक्टर साहब इस बार हाथ थोड़ा तंग है तो मुझे कोई फालतू बहाना नहीं सुनना है। और अगर इंटरेस्ट नहीं चुका सकते तो जो 10 लाख रुपए मुझसे उधार लिया ना पूरा लौटा दो। अरे डॉक्टर साहब 10 लाख रुपए तो मैं 1 साल के पहले नहीं चुका सकता, पर नेक्स्ट मंथ से आपको ब्याज टाइम पर मिल जाएगा। प्लीज अगर नहीं मिला ना तो मुझे उंगली टेढ़ी करने आती है। डॉक्टर साहब मेरी बेटी की अचानक तबीयत बिगड़ गई है, मेहरबानी करके आप घर चलिए। अरे गोविंद तुम्हारी बेटी की तबीयत खराब है तो उसे अस्पताल लेके जाओ, मैं घर पे विजिट नहीं करता हूँ। डॉक्टर साहब अस्पताल के माहौल से मेरी बेटी को डर लगता है। ठीक है। आइए डॉक्टर साहब। क्या हुआ इन्हें? वो पेट में दर्द है। ठीक है मैं देख लेता हूँ। जरा सुनिए, सच सच बताइए क्या हुआ आपकी बेटी के साथ, कहीं वगैरह का मामला तो नहीं है? अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब ऐसी कोई बात नहीं, वो लड़कियों वाली परेशानी, आप चेक तो कीजिए। देखिए हमें भी बहुत दुख है उस परिवार की मौत का, लेकिन आप सारी फैमिली की लाश नहीं मिली है अभी? दिव्या और प्रतीक गायब, आपको क्या लगता है कहाँ हो सकते हैं? जी हमें क्या मालूम, लेकिन हमें अच्छी तरीके से मालूम है आपकी और सुदर्शन की दोस्ती के बारे में। हमेशा से दुश्मन रहे हैं आप, और इस बार तो समधी बनकर भी समधी बन नहीं पाए। 36 का आंकड़ा 36 का ही रहा। आंकड़ा तो अपने बेटे से भी बिगड़ा हुआ था सुदर्शन का, उसकी पहली पत्नी की बेटी दिव्या, वो सिर्फ संपत्ति के खातर अपने बाप के पास रहती थी। आपके लालच के बारे में भी पता चला है हमें, सुदर्शन के ना रहने से उसके बिजनेस के सारे क्लाइंट्स आपके हो जाएंगे, राइट? देखिए आप अपना खामाखा वक्त बर्बाद कर रहे हैं। हमारे वक्त की चिंता आप मत कीजिए, हमें आपकी बेटी से भी कुछ बातचीत करनी है। जी तुम तो बचपन से ही प्रतीक को प्यार करती थी ना? जी आई लव्ड हिम। और उसने आपसे शादी करने से इनकार कर दिया, बुरा तो लगा होगा आपको? सर वो मुझसे तो क्या,
किसी भी लड़की से शादी नहीं करना चाहता था। क्यों? सर वो गे है और उसकी लाइफ में कोई लड़का है। सर आप ही बताइए, ऐसे लड़के से कौन लड़की शादी करना चाहेगी? कौन लड़का, आप जानती हैं उसे? वो मैं नहीं जानती। ये दवाई दे देना, दिन में दो बार खाने के बाद, एक हफ्ता आराम करने दो। डॉक्टर साहब आपकी बड़ी मेहरबानी जो आपने मेरी बेटी को देखा। आपकी फीस? अरे फीस की कोई ज़रूरत नहीं। अरे नहीं नहीं डॉक्टर साहब, आपको खाली हाथ कैसे जाने दे सकता हूँ, पैसे तो है नहीं मेरे पास, लेकिन आप ये रख लीजिए। नहीं नहीं ये मैं नहीं ले सकता। सर जगजीत की बेटी जरूर कोई कहानी बना रही है, प्रतीक ऐसा हो ही नहीं सकता। आप प्रतीक को इतने करीब से कैसे जानती हैं? मेरी बेटी उन्हीं के साथ रहती थी सर, अगर ऐसा कुछ होता तो वो मुझे जरूर बताती। फिर तो आप अपनी बेटी को भी अच्छी तरीके से जानती हूँ, उसका कोई बॉयफ्रेंड वगैरह? नहीं सर। अच्छा मेरे हिसाब से तो दिव्या की उम्र प्रतीक से थोड़ी ज्यादा है ना, उस हिसाब से तो आपके पति को प्रतीक से पहले दिव्या की शादी के बारे में सोचना चाहिए था। सर हम उसके लिए लड़का ढूंढ रहे थे लेकिन कोई अच्छा लड़का मिल ही नहीं रहा था। पर सर आप ये सब बातें क्यों पूछ रहे, आप मेरी बेटी का कुछ पता क्यों नहीं करते? पता नहीं वो किस हालात में होगी। शगुफ्ता मैं जानता हूं तुम्हें मुझसे बहुत सी शिकायतें रही हैं, लेकिन शायद ये तकदीर का खेल है कि हम लोग चाह के भी एक दूसरे के करीब नहीं आ पाते। ये अचानक क्या हो गया आपको, इतनी अजीब सी बातें कर रहे हैं। शगुफ्ता मैं हमारी हैप्पी मैरिड लाइफ और इस घर की खुशहाली वापस लाना चाहता हूँ, एंड आई एम श्योर हम दोनों मिल के ये सब कर सकते हैं। वाओ पापा, ये आप मेरे लिए लाए हैं, ये क्या सच्ची वाला अलादीन का चिराग है? हाँ बेटा। कितना सुंदर है पापा। सर पोस्टमार्टम रिपोर्ट के मुताबिक सुदर्शन और दीपिका की हत्या गला दबाकर की गई थी, और सर दोनों की हत्या उसी वक्त की गई थी जिस वक्त सभी फैमिली मेंबर्स के फोन मंगेर में बंद हुए थे, और उसी एरिया में उन लोगों की लाशें मिली, और उस दिन सुबह पूरा परिवार एक साथ कहीं बाहर निकला था। सर वो लोग कहाँ जा रहे थे इस बात का तो कोई आइडिया नहीं है, और ये प्रतीक और दिव्या ये दोनों कहाँ गायब हो गए ये भी नहीं पता चल रहा है। अच्छा लव अफेयर के एंगल में कुछ मिला? सर दिव्या के कॉल रिकॉर्ड्स में तो ऐसा कुछ नहीं मिला, और सर अदिति ने हमें बताया था कि प्रतीक के कॉल रिकॉर्ड में ये अमर नाम के लड़के का नंबर मिला है। सर प्रतीक और अमर दोनों क्लासमेट थे और दोनों फोन पे काफी टच में थे, और प्रतीक को आखिरी कॉल भी अमर ने ही किया था। सर कमें? सर नगमा नाम की एक एनआरआई लेडी आई है, उसने लंदन से दिल्ली एयरपोर्ट पे आज ही लैंड किया है। उसका कहना है कि उसका भाई यहाँ कानपुर में रहता है और पिछले 15 दिन से उसका फोन बंद है, और उसे अपने भाई का एड्रेस भी नहीं मालूम। सर इसी सिलसिले में वो आपसे मिलना चाहती है। ठीक है बोलो। सर ये मेरा भाई है डॉक्टर शादाब खान, सही कानपुर में ही कहीं रहता है, मैं पिछले 15 साल से लंदन रह रही हूँ, पर भाई मुझसे डेली फ़ोन पर बातें किया करता था। सर पिछले 15 दिन से मेरे भाई का फ़ोन स्विच ऑफ आ रहा है, इसी फिक्र से मैं इंडिया आई हूँ, मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है सर। ये यहाँ कानपुर में अकेले रहते हैं? सर इसकी वाइफ और बच्ची इसके साथ रहती थी, और ये यहाँ पर किसी बड़े हॉस्पिटल के अंदर प्रैक्टिस कर रहा है। कौन से हॉस्पिटल में? सर हॉस्पिटल का नेम तो मुझे नहीं मालूम, पर सर मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है, प्लीज़ फाइंड हिम सर। डोंट वरी पता चल जाएगा, जिस नंबर से आपकी बात होती थी इनसे वो नंबर बताइए, देखते हैं वो नंबर कौन से एड्रेस पर रजिस्टर्ड है। ठीक है हिमांशु नंबर लो इनसे, आप इनके साथ जाइए। सच कह रहा हूँ सर, मैं सच कह रहा हूँ, मैंने कुछ नहीं किया। आपसे किसने कहा सर मेरे और प्रतीक के बीच में ऐसा वैसा कोई रिश्ता नहीं था, और ना ही प्रतीक गे है, वो तो उसने झूठ बोला था अदिति से पीछा छुड़ाने के लिए। उसने झूठ बोला था? तू हमसे झूठ बोल रहा है? बोल कहां पर है प्रतीक और दिव्या? सर मैं सच कह रहा हूं मुझे नहीं मालूम। प्रतीक का फोन बंद होने से पहले आखिरी बार तूने उसको कॉल किया था? बता क्या प्लानिंग चल रही है तुम्हारी। सर हमारी कोई प्लानिंग नहीं चल रही थी, असल में प्लानिंग उसके पापा की चल रही थी। मेरे पापा पता नहीं मुझे कहां लेके जा रहे हैं। अरे मुझे तो डर ये लग रहा है कि कहीं वो मेरे और अदिति के फेरे ना करवा दे। वो रिश्ता तो टूट गया था। नहीं सर अदिति को झूठ बोलने का भी कोई फायदा नहीं हुआ, वो बावजूद उसके प्रतीक से शादी करना चाहती थी, तो लड़की पागल थी सर प्रतीक के लिए, और प्रतीक के पापा उनको फायदे के सिवा और कुछ नहीं दिखता था, और अदिति के पापा
अदिति की खुशी के लिए कुछ भी कर सकते हैं। अदिति कहाँ जा रही हो तुम? पापा वो मैं कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ दिनों के लिए घर के भीतर रहो, चलो अंदर। देखिए मोबाइल कंपनी में उन्होंने जो अपना एड्रेस दिया है उसके हिसाब से तो यही घर है, पर सर यहाँ तो लॉक लगा हुआ है। देखिए हो सकता है कुछ दिनों के लिए कानपुर से बाहर गए हों क्योंकि गाड़ियाँ यहीं हैं उनकी। सर भाई का फोन पिछले 15 दिनों से स्विच ऑफ आ रहा है और ऐसा कभी नहीं हुआ, भाई ने इतने लंबे समय के लिए कभी फोन बंद नहीं रखा अपना। सर मुझे डर लग रहा है, प्लीज कुछ पता कीजिए ना सर। माशु जरा विंडो से देखो, चेक करो। सर सर ताला तोड़ो। सर बॉडीज डीकंपोज हो चुकी हैं, इनके डीएनए की प्रोफाइलिंग करनी पड़ेगी। इन्हें बाहर लेके जाओ, अब बाहर जाइए। तीनों में किसी की बॉडी पर किसी भी तरह की एक्सटर्नल इंजरीज का मार्क्स नहीं, लेकिन तीनों के मुंह से झाग निकल रहे जो सूख चुके हैं, तो शायद जहर। फोरेंसिक को बुलाओ और घर में जितने भी टेक्निकल एविडेंसेस हैं सब कलेक्ट करो क्विक। सर सर ये डॉक्टर साहब की कॉलोनी के पास यहीं रहते, इनका कहना है कि 16-17 दिन से यहाँ ताला लगा हुआ है। और डॉक्टर शादाब को पर्सनली जानते थे? जी हाँ सर, वो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे, इसी सिलसिले में 16-17 दिन पहले उनसे मिलने आया था, उसके बाद से ताला लगा हुआ है। अच्छा इनका किसी से कोई झगड़ा था? नहीं सर, वो तो बहुत ही नेक आदमी थे, मेरी बेटी की इलाज की फीस भी नहीं लेते थे। ये डॉक्टर शादाब कौन से हॉस्पिटल में प्रैक्टिस करते थे? सर जिग्मा हेल्थ सेंटर, लेकिन सुना है कि उन्होंने वहाँ जाना छोड़ दिया था। क्यों? सर वो खुद का क्लिनिक खोलना चाहते थे। बहना अपने काम का अलग ही मजा होता है, सीनियर्स की कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं। जी भाईजान, वेल एंड गुड अगर आपका खुद का क्लिनिक हो तो, और भाईजान अगर आपको फंड्स की जरूरत हो तो। नहीं नहीं नगमा, फंड्स की कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं तो बस एक अच्छी सी जमीन ढूंढ रहा हूँ जहाँ खुद का क्लिनिक शुरू कर सकूं। पापा मुझे भी वूफी से बात करनी है। सर सब लोग बहुत खुश थे, मैं सपने में भी नहीं सोच सकती कैसा कुछ हो जाएगा। आपको किसी पर कुछ शक? सर मैं काफी टाइम से बाहर ही रह रही हूँ, मुझे यहाँ के बारे में कुछ नहीं पता। कोई बात नहीं, हम पता लगा लेंगे, आप बेफिक्र रहिए। हिमांशु डॉक्टर शादाब यहाँ प्रैक्टिस करते थे, उस हॉस्पिटल में सबसे पूछताछ करो। सर सर डॉक्टर शादाब के घर के बाहर जो कार खड़ी थी उनमें से एक कार शादाब के नाम पर है और दूसरी कार ये नीरज सिंह के नाम पर रजिस्टर्ड है। सर मैंने शादाब की बहन से भी पता किया, वो इस नीरज को नहीं जानती है, मैं इसके घर भी गया था सर, इसका घर बंद पड़ा है। सर कुछ भी पता नहीं चल पा रहा है कि आखिर ये नीरज गायब कहाँ हो गया। सर हो सकता है इस नीरज ने ही कांड किया हो और उसके बाद गायब हो गया हो। अगर ऐसा है तो ये अपनी कार इस तरह छोड़कर क्यों जाएगा? सर दरअसल इसकी कार स्टार्ट ही नहीं हो रही है, हो सकता है किसी वजह से इसकी कार खराब हो गई हो जिसकी वजह से ये साथ में नहीं ले जा पाया। पता करो नीरज सिंह इस वक्त कहाँ है। सर हमें लग रहा था सुदर्शन और दीपिका के हत्या का मोटिव प्रतीक से जुड़ा हुआ होगा, लेकिन प्रतीक का तो मर्डर हो गया, तो क्या केस का एंगल दिव्या के गायब होने से जुड़ा हुआ है? सर
यह नीरज सिंह ड्रग्स की ट्रेडिंग करता है। बलिया की ड्रग्स फैक्ट्री में इसका आना जाना है, लेकिन फिलहाल वहां से भी पता नहीं लग रहा आखिर वो कहां गायब हो गया। आखिर इन सारे कत्ल के पीछे कातिल का मकसद क्या था? ये नीरज सिंह जहां कहीं भी है पता लगा उसका। जी सर। सर कमें। सर डॉक्टर शादाब, उसकी बीवी और बेटे की पोस्टमार्टम रिपोर्ट। सर रिपोर्ट के मुताबिक उन तीनों की बॉडी में जहर इंजेक्ट किया गया था और इसी वजह से उनकी मौत हुई। इन तीनों की बॉडी में जो जहर इंजेक्ट किया गया, इस तरह का पॉइजन तो एनिमल मर्सी किलिंग के लिए इस्तेमाल होता है। तो मतलब ये काम किसी मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े इंसान का हो सकता है। डॉक्टर शादाब खुद हार्ट सर्जन था, तो हो सकता है उसका अपने किसी कलीग से कोई इशू हो, या फिर ये काम किसी जानवरों के डॉक्टर का हो। लेकिन सर शादाब के कॉन्टैक्ट में जानवरों के किसी डॉक्टर का पता नहीं चला, और 3 महीने पहले तक वो जिस हार्ट इंस्टीट्यूट में प्रैक्टिस कर रहा था वहाँ के स्टाफ से भी कोई क्लू नहीं मिला। फिर भी एक बार पूरे स्टाफ से दोबारा पूछताछ करो। और डॉक्टर शादाब की बहन ने बताया था कि डॉक्टर शादाब खुद का क्लिनिक खोलने वाला था, पता करो वो क्लिनिक के लिए कहाँ ज़मीन देख रहा था, हो सकता है कोई प्रॉपर्टी डिस्प्यूट का एंगल हो। सर हेलो दिव्या, कहाँ है तू? हाँ हाँ ठीक, ओके सर भेजो मत। सर शादाब ने कोई ज़मीन खरीदी थी, उसकी तो कोई डिटेल नहीं मिली है, लेकिन उसके घर से एक MOU मिला है। सर 2 महीने पहले शादाब ने उन्नाव में अपनी पुश्तैनी ज़मीन बेची थी, डील करीब 6 करोड़ में हुई थी। 6 करोड़? हाँ सर। आपने बताया कि आपका भाई शादाब खुद का क्लिनिक खोलने के लिए कोई ज़मीन खरीदने वाला था, पर हमें पता चला कि आपके भाई ने 2 महीने पहले आपकी पुश्तैनी ज़मीन बेची 6 करोड़ में। अब पुश्तैनी ज़मीन थी तो जाहिर सी बात है उस ज़मीन पर मालिकाना हक तो आपका भी था, तो आपको उस डील के बारे में कुछ ना कुछ तो पता होगा, और उस 6 करोड़ में से कुछ ना कुछ आपको भी मिला होगा। नो सर, इनफैक्ट हम लोग काफ़ी टाइम से ट्राई कर रहे थे वो प्रॉपर्टी सेल करने की, पर भाई ने कहा कि वो प्रॉपर्टी सेल हो ही नहीं रही है। नगमा इन दिनों प्रॉपर्टी रेट्स तो बहुत डाउन चल रहे हैं, 4 CR से ऊपर कोई प्राइस बोल ही नहीं रहा। आप लक्ष्मण चौधरी को जानती हैं? कौन लक्ष्मण चौधरी? लक्ष्मण चौधरी ने ही आपके भाई से 6 करोड़ में आपकी पुश्तैनी ज़मीन खरीदी। नो सर, सर आई थिंक ज़रूर मेरे भाई के साथ कोई फ्रॉड हुआ है। सर मेरा यकीन कीजिए, मुझे दिव्या के नंबर से कॉल ज़रूर आया था, लेकिन वो कॉल दिव्या ने नहीं किया था। अच्छा, अब आप बोलेंगी किसी ने आपकी बेटी के नाम पर फिरौती मांगी आपसे? नहीं सर, दूसरी तरफ से कोई आवाज़ ही नहीं आ रही थी। हेलो बेटा कहाँ है तू? हेलो। दिव्या का फोन करनाल में ऑन हुआ था, अब सच सच बताइए कहाँ छुपा रखा है अपनी बेटी को करनाल में? यहाँ मैं अपनी बेटी के लिए परेशान हो रहा हूँ। बस बहुत ड्रामा हो गया आपका, आपकी और आपकी बेटी की नजर थी सुदर्शन के घर जायदाद पर, सुदर्शन उसकी बीवी उसका बेटा सब मारे गए, फिर आपकी बेटी कहाँ गायब हो गई? मेरी बेटी किसी मुसीबत में है सर। मुसीबत में अब आप फंसोगी, ऐसी चार्जशीट लगाऊंगा ना कभी बाहर नहीं निकल पाओगी। बताओ कहाँ पर है दिव्या? आप मुझ पर जुल्म कर रहे हैं सर। ऐसे सच नहीं उगलोगी तुम। पूजा कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोला था ना तुझे विदेश ले जा रहा हूँ, अब तू विदेशियों की मेहमान बन के रहेगी। ये देखिए साहब, पेमेंट करते वक्त पूरा वीडियो रिकॉर्ड किया है मैंने, कोई धोखाधड़ी नहीं की है मैंने डॉक्टर साहब के साथ में, पूरे 6 करोड़ लेकर गया है वो यहाँ से। सर शादाब के घर में तो हमें 6 करोड़ रुपए मिले ही नहीं, तो इसका मतलब शादाब और उसकी फैमिली का मर्डर ही नहीं बल्कि 6 करोड़ की लूट भी हुई है। अरे तुम इसकी रिकॉर्डिंग पे मत जाओ, ये लक्ष्मण चौधरी जैसे लोग बड़े टेढ़े होते हैं, एक हाथ से पैसे देते हैं दूसरे हाथ से वसूली कर लेते हैं। पता करो जिस दिन कत्ल हुआ उस दिन ये लक्ष्मण कहाँ था, और हाँ ये भी पता करो इसका नीरज से कोई ताल्लुक है या नहीं। हेलो मैं लक्ष्मण चौधरी को नहीं जानता, और ना ही डॉक्टर शादाब और उनकी फैमिली के साथ में मैंने कुछ किया है सर। तूने कुछ नहीं किया तो तू अपनी गाड़ी डॉक्टर शादाब के घर पर छोड़कर भागा क्यों था? नहीं सर, मैं डॉक्टर शादाब के घर की बाहर अपनी गाड़ी छोड़ करके नहीं भागा था, बल्कि
डॉक्टर शादाब खुद मेरी गाड़ी उठा ले गए थे सर। क्यों? सर मैंने डॉक्टर शादाब से 10 लाख रुपए उधार लिए थे और मैं उनको ब्याज भी टाइम पर नहीं दे पा रहा था। डॉक्टर साहब प्लीज, आप मेरी कार ऐसे नहीं ले जा सकते। एक मिनट, पूरे 10 लाख रुपए बकाया तुम पे मेरे, इंटरेस्ट अलग से। अभी तो सिर्फ गाड़ी लेके जा रहा हूँ, अगर मेरे पैसे नहीं चुकाए ना तुम्हें भी बेच सकता हूँ मैं। डॉक्टर साहब, फिर सर मैंने उनके मर्डर के बारे में सुना सर, मैं घबरा गया इसीलिए फरार हो गया, पर सर मैंने कुछ नहीं किया। रुक रुक रुक, डॉक्टर शादाब ने 10 लाख रुपए तुझे उधार दिए थे या ब्याज पे दिए थे? सर ब्याज पर दिए थे सर। डॉक्टर शादाब और ब्याज? अच्छा, अगर तुझे ब्याज पर पैसे दिए थे तो डॉक्टर शादाब बाकी लोगों को ब्याज पर पैसे देता होगा? हाँ सर, देता होगा। तो मैं ऐसे किसी और शख्स को जानते हो जिसे डॉक्टर शादाब ने ब्याज पर पैसे उधार दिए थे? नहीं सर, ऐसे तो किसी शख्स को नहीं जानता, पर डॉक्टर शादाब पर ऊपर वाले की बड़ी मेहर थी। पता नहीं वो किसकी इबादत करते थे, क्या इबादत करते थे, पर उनकी तिजोरी हमेशा नोटों से भरी रहती थी सर। इबादत? जी सर। कैसी इबादत? सर ये तो मुझे नहीं पता, पर एक बार मैं डॉक्टर शादाब के घर ब्याज के पैसे देने गया था, तब उनकी फैमिली अजीब सी हरकतें कर रही थी, तभी मैंने देखा था, मुझे अजीब सा लगा सर। अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम उस्तम उस्तम बिल्कुल कम, अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम उस्तम। मुझे देखते ही डॉक्टर शादाब ने उस चिराग को कपड़े से ढक दिया, पता नहीं उन्होंने ऐसा क्यों किया। ये चिराग एग्जैक्टली डेड बॉडीज के पास रखा हुआ था, कहीं ऐसा तो नहीं कि फैमिली किसी तिलिस्मी जादू करने वाले बाबा के चंगुल में फंसी हुई थी? लेकिन सर कोई ऐसा बाबा ऐसे जहर के इस्तेमाल से उन्हें क्यों मारेगा जो एनिमल्स की मर्सिंग किलिंग में इस्तेमाल होता है? और फॉरेंसिक को घर में अननोन फिंगर के प्रिंट्स भी नहीं मिले थे, और सिरिंज शादाब के हाथ में मिली थी। सर हो सकता है लूट फरेब की हताशा में फैमिली ने मिलकर किया हो। नहीं मानसो, इस केस की तह में जाए बिना हम इस केस को ऐसे केस नहीं मान सकते। इस केस में कुछ ना कुछ तो ऐसा जरूर है जो मिस कर रहे हैं। सर सर फॉरेंसिक ने डॉक्टर शादाब, उसकी बीवी और उसकी बेटी के डीएनए की प्रोफाइलिंग की तो पता चला है कि सर डॉक्टर शादाब और उसकी बेटी का डीएनए मैच नहीं करता। व्हाट मतलब? रूही डॉक्टर शादाब की अपनी बेटी नहीं है? नहीं सर, मैं मान ही नहीं सकती कि रूही शादाब भाई की बेटी नहीं थी। पर डीएनए रिपोर्ट तो यही कहती है। अब डीएनए रिपोर्ट तो झूठ नहीं बोल सकती। देखिए हम इस केस की तहकीकात कर रहे हैं, और जब हम तहकीकात करते हैं तो हम हर एंगल टटोलते हैं, तो मुमकिन है कि आपकी भाभी शगुफ्ता का कोई पास्ट रहा हो, कोई माजी रहा। और नहीं सर, ऐसा नहीं हो सकता। ऐसा भी तो हो सकता है ना कि शादाब भाई ही बाप ना बन सकते हो, इसी वजह से शगुफ्ता भाभी IVF के थ्रू प्रेग्नेंट हुई हो। आजकल तो ये सब कॉमन है सर। पर उनके घर से जो हमें चीज़ें मिली हैं उन्हें जानकर आपको भी ताज्जुब होगा, आपके भाई शायद किसी अजीब किस्म की इबादत में मुब्तला थे, क्योंकि उनके घर से हमें एंशिएंट रिलीजियस बुक्स मिली। इनफैक्ट उनके घर से हमें ये चिराग भी मिला। चिराग? अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम रुस्तम रुस्तम बिलबिल का। अब ये सब चीज़ें देख के तो नहीं लगता कि आपका भाई या आपकी भाभी इतने मॉडर्न ख्याल के थे। उनसे कहो इतना वक्त नहीं है, रिपोर्ट जल्दी चाहिए। सर सर जहांगीरपुरी पुलिस से 2 साल पुराने केस का पता चला है जिसमें एक फैमिली की मौत उसी एनिमल मर्सी किलिंग वाले जहर से हुई थी जिससे शादाब की फैमिली की मौत हुई। सर इसका नाम सचिन है और ये उसकी बेटी जो मारे गए थे। इन दोनों को किसने मारा? सर क्लोजर रिपोर्ट में इसे सुसाइड केस माना गया था। सचिन की बेटी को कैंसर था, लास्ट स्टेज पर थी, और जहांगीर पुलिस की ये थ्योरी थी कि सचिन ने इसी हताशा में अपनी बेटी के साथ हत्या कर ली। भले ही जहांगीर पुलिस की ये थ्योरी है कि एक केस, पर सवाल ये है कि सचिन के पास ये जहर कहाँ से आया हो? सचिन करता क्या था? सर ये एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर था, लेकिन इसका मेडिकल फील्ड से दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं था। एक बात और सर, सचिन की मौत से पहले सचिन के घर के बाहर एक लड़की को देखा गया था, उसका स्केच भी बना था। सर ये रहा वो स्केच। सर आज तक इस लड़की की पहचान नहीं हो पाई है। सर कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर ये लड़की है कौन। एक अजीब बात और सर, सचिन और उसकी बेटी की लाश के पास में खाली पिंजरा भी मिला था। सर ये क्राइम सीन की फोटो।
अफसर जहांगीरपुरी पुलिस से पता चला है कि मौत से कुछ दिन पहले तक पड़ोसियों ने इस पिंजरे में 4 कबूतर देखे थे। सचिन इन कबूतरों को दाना डालता था। मौत के बाद से ये कबूतर गायब थे। देखो, फिलहाल तो ये कहना मुश्किल है कि इन दोनों केसेस का आपस में कोई ताल्लुक है या नहीं, पर दोनों ही केसेस में बहुत कुछ कॉमन है। दोनों ही केसेस में फैमिली मेंबर्स मारे जाते हैं और दोनों ही फैमिलीज की मौत सेम जहर से होती है। और एक फैमिली के पास पिंजरा मिलता है तो दूसरी फैमिली के पास चिराग। क्या दोनों केसेस आपस में कनेक्ट हैं? पता करो क्या हाल फिलहाल में इस तरह के कुछ और भी केसेस हुए। और ये स्केच वाली लड़की, ये भी पता करो क्या ये लड़की डॉक्टर शादाब के घर के पास भी देखी गई। सर, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मेरा बच्चा, छोड़, मेरी जिंदगी का बर्बाद कर दी, मेरे बच्चे को तो छोड़ दो, छोड़ो मुझे, छोड़ो। इस लड़की को जानते हो? हाँ सर, ये लड़की पहले इसी मोहल्ले में रहा करती थी अपने पिता के साथ, और सर डॉक्टर शादाब के घर इसके पिता का आना जाना भी था। अच्छा, कहाँ रहते थे ये दोनों? सर, गोविंद और उसकी बेटी उस घर में किराए पे रहते थे, लेकिन अब वो घर खाली करके चले गए हैं। ये तो वही आदमी है ना जिसने हमें बयान दिया था। आप डॉक्टर शादाब को पर्सनली जानते थे? जी हाँ सर, वो मेरी बेटी का इलाज कर रहे थे। हाँ सर, सर जरूर पहुंचे हुए लोग लगते हैं, और इनके एग्रीमेंट में जो नेटिव एड्रेस लिखा है वो भी फेक है। मुझे लगता है दोनों बाप बेटी बहुत बड़े फ्रॉड हैं। इन दोनों ने मिलकर सचिन और शादाब को चुना लगाया होगा। इन दोनों के लिए लुकआउट नोटिस करवाओ और पता लगाओ क्या इन दोनों का कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और ये रिसेंटली यहाँ से भागे तो रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, सब जगह पता लगाओ, फाइंड आउट कि यहाँ से भाग कर या आखिर कहाँ गए। सर, कोई कॉम्प्लिकेशंस नहीं होंगे अरुण, सिंपल सा प्रोसेस है। तुम एरा से शादी कर लेना, फिर तुम्हें US का ग्रीन कार्ड मिल जाएगा। 2 साल बाद एरा तुम्हें डाइवोर्स दे देगी, और वैसे भी एरा से तुम्हारी चैटिंग हम करवा चुके हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन एरा से शादी करने के लिए तो US जाना होगा, और US का तो टूरिस्ट वीजा भी बहुत मुश्किल से लगता है। उसका भी सलूशन है हमारे पास। एरा इंडिया आके शादी करेगी, लेकिन उसके लिए वो एक्स्ट्रा चार्ज करेगी। 25 लाख दे तो रहा हूँ, और कितना लगेगा? 30 लाख, वो भी एडवांस में, तभी एरा इंडिया लैंड करेगी। सर, कमें। सर, गोविंद की बेटी का एयरपोर्ट से क्लू मिला। ये गोविंद की बेटी 4 दिन पहले एयरपोर्ट पे देखी गई थी, वो भी एकदम बदले रूप में। ये देखिए, एयरपोर्ट पे ये अकेली थी? जी सर। और हाँ सर, मैंने पता किया, इसने दिल्ली की फ्लाइट ली थी। बेटी अगर फ्लाइट पकड़ के दिल्ली गई है तो बाप कहाँ गायब हुआ? इसकी टिकट बुकिंग की डिटेल निकलो। यस सर। सर, हमें सर रिसेंट में कुछ अतरंगी केसेस की डिटेल्स निकाली मैंने, जो कुछ अजीब तरह के फ्रॉड से जुड़े हैं। सर, एक केस में एक जोहरी को रेत बेचा गया, और कहा गया कि इसमें लोहा डालोगे तो 40 दिन में सोना हो जाएगा। एक केस में रोबोट, तो एक केस में बिल्ली की जेर। ये गोविंद और उसकी बेटी का क्रिमिनल रिकॉर्ड? हाँ सर, सर गोविंद का एक रिकॉर्ड मिला है। सर, फरीदाबाद पुलिस की फाइल में इसका नाम राधेश्याम है, और सर ये राधेश्याम को फरीदाबाद पुलिस 4 साल से ढूंढ रही है, और फरीदाबाद में ये एक फैमिली में ड्राइवर था, तब ये वहाँ नया नया काम पर लगा था, इसलिए फरीदाबाद पुलिस को इसके बारे में कुछ भी पता नहीं चला। और सर फिर बाद में पता चला कि ये मर्डर करके गायब हो गया, और उस फैमिली में सुदर्शन, उसकी बीवी दीपिका और बेटे प्रतीक का मर्डर हुआ था। और सर सुदर्शन की एक्स वाइफ की बेटी दिव्या के बारे में भी कुछ पता नहीं चल रहा है, जो कि उनके साथ ही रहती थी। और फरीदाबाद पुलिस की थ्योरी थी कि दिव्या और उसकी माँ रुक्मणी भी इस ड्राइवर के साथ मिले हुए थे। फरीदाबाद चलने की तैयारी करो। सर, सर मुझे भी नहीं मालूम कि सुदर्शन ने किसी ड्राइवर को काम पे रखा था। इन फोटोग्राफ्स को देखिए, ये वो विक्टिम है जिनका कत्ल हुआ है। उस ड्राइवर को इन फैमिली मेंबर्स के साथ देखा गया। आपके पति सुदर्शन का या आपकी बेटी दिव्या का उस ड्राइवर से कोई कनेक्शन? नहीं सर, मैं नहीं जानती। हमें इस लड़की के बारे में पता चला, क्या आप जानती हैं लड़की कौन है? आपने कभी इसे देखा? नहीं सर,
पर आप मेरी बेटी को ढूंढ दीजिए। पिछले 4 साल से मैं उसको देखने के लिए तरस रही हूँ, लेकिन मेरा कोई यकीन ही नहीं कर रहा कि मेरी बेटी और मैं बेकसूर हैं। आप इतना नखी, हम आपकी बेटी का जरूर ढूंढें। सर, ये गोविंद की बेटी का टिकट किसी अरुण नाम के आदमी के क्रेडिट कार्ड से बुक हुआ। ये अरुण दिल्ली का रहने वाला और इसके क्रेडिट कार्ड से लिंक्ड एक मोबाइल नंबर भी मिला है। इस अरुण का नंबर ट्रैक करो क्विक। जी सर। ये लो तुम्हारे 30 लाख रुपए और परसों की परसों शादी करके मुझे US निकलना है ईरा के साथ। डोंट वरी, ईरा कल शाम तक आ जाएगी इंडिया। सोच लो कि तुम्हें ग्रीन कार्ड मिल गया US का। ये बाबा वो कर सकते हैं जो अच्छे अच्छे डॉक्टर्स भी नहीं कर सकते। तेरी बेटी पर मौत का बुरा साया मंडरा रहा है और उसके लिए तुझे 4 अनोखे कबूतर खरीदने होंगे। उन कबूतरों में तेरी बेटी का बुरा साया आ जाएगा, फिर उन कबूतरों को उड़ा देना। अगर मौत के पिंजरे से बचना चाहता है तो उन कबूतरों को उड़ाना होगा। फिर हमने सचिन को 7 लाख रुपये में कबूतर बेच दिए और बोला कि ये अनोखे कबूतर है। फिर छोटा कर्मकांड करके उसी से वो कबूतर उड़वा दिए, लेकिन उसकी बच्ची पर कोई असर ही नहीं हुआ। हम लोग वहाँ से भागने वाले थे तभी उसने हमको देख लिया और बोला कि हमें अंदर करवा देगा। हमने उसे और एक झांसा दिया, कहा कि अगर उस पिंजरे में फिर से टोटका करेंगे तो उसकी बेटी बच जाएगी। वो मान गया। हम उसके घर पहुँच गए और दोनों बाप बेटी को हम सिर्फ फ्रॉड करते हैं साहब, लेकिन उनको मारना पड़ा और उसी की तरह शादाब और उसके परिवार को भी। मुझे पता लगा कि शादाब को पुरानी किताबें पढ़ने का शौक है, इसीलिए उसे झांसे में लेने के लिए हम लोग उसके पड़ोसी बन गए। डॉक्टर साहब, आज तो आपको गिन्नी लेनी ही पड़ेगी। एक बात बताओ, तुम तो कहते हो कि तुम गरीब आदमी हो, फिर इतनी सोने की गिन्नियाँ लाते कहाँ से हो? कहीं कोई चोरी वोरी तो नहीं करते? अरे नहीं नहीं साहब, ये गिन्निया तो हमें कुतुबुद्दीन बाबा की रहम से मिलती है। उनके पास अलादीन का चिराग है, जिनसे वो जो भी मांगते हैं उन्हें मिल जाता है और वो हम गरीबों में बांट देते हैं। अलादीन का चिराग? जिन? अक्कड़ बक्कड़ तौबा रहम, रुस्तम रुस्तम बिल बिल का। हमने सिर्फ ड्रामा रचा था, लेकिन शादाब ने सच मान लिया और वो बोला कि चिराग उसे चाहिए। फिर हम लोगों ने उसे 6 करोड़ में वो चिराग दे दिया, लेकिन सर उसका चिराग से जल्दी मोह भंग हो गया। तुमने मुझे चीट किया है, कोई जिन भी नहीं निकलता तुम्हारे चिराग में से। अरे डॉक्टर साहब, अभी 11 दिन ही तो है, 40 दिन की इबादत तो पूरी कीजिए। साहब, उसे किसी तरह शांत किया और हम लोगों ने सोचा कि भाग चलते हैं, लेकिन वो हमारी पोल खोल देता, इसीलिए उसे भी मार दिया। तुम लोग वो जहर कहाँ से लाते थे? वो सर एक बार जानवर के डॉक्टर को ठगा था, वहीं से इंतजाम हो गया था। तो 4 साल पहले सुदर्शन और उसकी फैमिली को भी इसी तरह से तुम लोगों ने? नहीं साहब, उस वक्त तो हम लोग कच्चे थे, लेकिन जालसाजी तब भी करते थे। सब मुझे पता लगा कि सुदर्शन का बेटा गे था। मुझे प्रतीक से शादी करनी है, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। पापा, हम उसका इलाज करवाएंगे ना, कई कंट्रीज में ना पापा उसका अभी भी इलाज होता है। मैंने इसी चीज़ का फायदा उठाकर उसे बाबा जी के बारे में बताया, बोला ऐसी पूजा कर देंगे कि आपका बेटा बिल्कुल ठीक हो जाएगा, वो गे नहीं रहेगा। हमने भोला को बाबा बनाकर सुदर्शन से मिला दिया।
और बोला कि पूजा के लिए 2.5 लाख रुपए लगेंगे। और सर उस दिन जब हम पूजा के लिए जा रहे थे तो मैंने रास्ते में गाड़ी रोकी और 2.5 लाख रुपए के लिए उन सबको मार डाला। सब दिव्या को लेकर हम दोनों के मन में लालच आ गया था। उसके बाद दिव्या के साथ क्या किया? अपने कुछ दिन तक दिव्या को कैद रखा, फिर अच्छा दाम मिलने पे उसको बेच डाला। दिव्या कहाँ है? बोला। सेक्रेटरी, आप ठीक हैं? सर, सर मेरा बच्चा। वो आप आइए हमारे साथ आइए। रेनू आइए, चलिए चलिए चलिए। लोभ लालच वो दलदल है जिसमें एक बार इंसान धस जाए तो धसता ही चला जाता है। सोच के हैरानी होती है कि पढ़े लिखे वेल क्वालिफाइड लोग भी किस कदर तिलस्मी ताकत और बिना सर पैर के कर्म कांड पर आंख मूंदकर विश्वास करते हैं। लालच वो नशा है जो इंसान की सूझबूझ उसकी समझ को निष्क्रिय कर देता है। लालच के अफीम के आगे सारे तर्क सारे लॉजिक बेअसर हो जाते हैं और जब तक इंसान को हकीकत का एहसास होता है तब तक बहुत देर हो जाती है। जरूरी है कि हम अपनी जिंदगी के फैसले तर्क वैज्ञानिक तथ्यों और कॉमन सेंस के आधार पर लें और लालच के इन मतलबी सौदागरों से बचें। अब मैं सोनाली कुलकर्णी आपसे विदा लेती हूँ। फिर होगी आपसे मुलाकात एक ऐसे ही चौंका देने वाले केस के साथ क्राइम पेट्रोल सतर्क में। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखिए। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।